जिस तरह से मैं आप लोगों को हर महीने की टॉप सेलिंग कार्ड्स के बारे में बताता हूँ, उसी तरह से आज के इस वीडियो में उन कार्ड्स के बारे में बताने वाला हूँ जो जून के महीने में बिल्कुल भी नहीं बिका। तो वीडियो को पूरा जरूर देखना और आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर करना। शुरू करते हैं 15th पोजीशन से, जिसमें फॉक्सवैगन वर्टिस, जिसके जून के महीने में 1812 यूनिट्स बिकी है पूरे देश में। वर्टिस एक बेहतरीन गाड़ी है, सेफ्टी रेटिंग्स में 5 out of 5 की बेहतरीन स्कोर किया इस गाड़ी ने, फिर भी इसकी बिक्री इतना ही है। प्राइजेस की बात करें तो लगभग 11,48,000 रुपए से शुरू होकर इसका टॉप वेरिएंट 18,77,000 रुपए तक मिलता है एक शोरूम। 14th पोजीशन पर है मारुति सुजुकी सीएस, जिसकी जून के महीने में 1744 यूनिट्स बिकी है पूरे भारत में। एक तरफ जहां सिडान का मार्केट खत्म, वही दूसरी तरफ मारुति ने सीएस को अभी तक क्यों रखा है ये समझ में नहीं आता। प्राइसेस की बात करें तो लगभग 9,30,000 रुपए से शुरू होकर इसका टॉप वेरिएंट 12,30,000 रुपए तक मिलता है एक शोरूम। 13th पोजीशन पर है टाटा सफारी, जिसकी जून के महीने में 1663 यूनिट्स बिकी है पूरे देश में। प्राइसेस की बात करें तो 15,60,000 रुपए से शुरू होकर इसका टॉप वेरिएंट 24,50,000 रुपए तक मिलता है एक शोरूम। उसके बाद 12th पोजीशन पर है स्कोडा स्लाविया, जिसके 1639 यूनिट्स बिकी है जून के महीने में पूरे भारत के अंदर। प्राइसेस की बात करें तो लगभग 11,39,000 रुपए से शुरू होकर इसका टॉप वेरिएंट 18,68,000 रुपए तक मिलता है एक शोरूम। 11th पोजीशन पर है होंडा सिटी, जिसके जून के महीने में 1478 यूनिट्स बिकी है पूरे देश में। प्राइसेस की बात करें तो 11,57,000 रुपए से शुरू होकर इसका टॉप वेरिएंट 16,05,000 रुपए तक मिलता है एक शोरूम। उसके बाद 10th पोजीशन पर है फॉक्सवैगन टाइगुन, जिसके जून के महीने में 1449 यूनिट्स बिकी है पूरे देश में। 11,62,000 रुपए से शुरू होकर इसका टॉप वेरिएंट 19,46,000 रुपए तक मिलता है एक शोरूम। 9th पोजीशन पर है रेनो क्विड, जिसकी जून के महीने में 1349 यूनिट्स बिकी है पूरे देश में। क्विड का एक शोरूम प्राइस स्टार्ट होता है 4,70,000 रुपए से और 6,32,000 रुपए तक मिलता है इसका टॉप वेरिएंट। उसके बाद 8th पोजीशन पर है एमजी एस्टर, जिसकी जून के महीने में सिर्फ 891 यूनिट्स बिकी है पूरे देश में। 10,82,000 रुपए से शुरू होकर 18,70,000 रुपए तक मिलता है इसका एक शोरूम प्राइस। 7th पोजीशन पर है सिट्रोएन की C3, जिसके जून के महीने में 867 यूनिट्स बिकी है पूरे भारत के अंदर। प्राइसेस की बात करें तो लगभग 6,15,000 रुपए से शुरू होकर इसका टॉप वेरिएंट 8,80,000 रुपए तक मिलता है एक शोरूम। 6th पोजीशन पर है टोयोटा हाइलक्स, जिसके जून के महीने में 318 यूनिट्स बिकी है पूरे देश में। लगभग 30,40,000 रुपए से शुरू होकर इसका टॉप वेरिएंट 38,00,000 रुपए तक मिलता है एक शोरूम। 5th पोजीशन पर है जीप मेरिडियन, जिसके जून के महीने में 282 यूनिट्स बिकी है पूरे देश में। प्राइजेस की बात करें तो लगभग 32,95,000 रुपए से शुरू होकर इसका टॉप वेरिएंट 38,52,000 रुपए तक मिलता है एक शोरूम। 4th पोजीशन पर है दो गाड़ी, हुंडई टूसोन एंड एमजी ग्लॉस्टर, दोनों की जून के महीने में 263 यूनिट्स बिकी है पूरे देश में। प्राइसेस की बात करें तो हुंडई टूसोन की प्राइस स्टार्ट होता है 28,60,000 रुपए से और एमजी ग्लॉस्टर का प्राइस स्टार्ट होता है 38,10,000 रुपए से। 3rd पोजीशन पर है जीप कॉम्पस, जिसकी जून के महीने में 211 यूनिट्स बिकी है पूरे भारत के अंदर। प्राइसेस की बात करें तो लगभग 21,44,000 रुपए से शुरू होकर इसका टॉप वेरिएंट 29,44,000 रुपए तक मिलता है एक शोरूम। 2nd पोजीशन पर है महिंद्रा मराजो, जिसके 79 यूनिट्स बिकी है जून के महीने में पूरे देश में। 13,40,000 रुपए से शुरू होकर 16,00,000 रुपए तक मिलता है इसका एक शोरूम प्राइस। और जून के महीने में सबसे कम बिकने वाली गाड़ी है सिट्रोएन की C5 एयर क्रॉस, जिसकी जून के महीने में सिर्फ 12 यूनिट्स बिकी है पूरे देश में। इस गाड़ी का बस सिंगल वेरिएंट अवेलेबल है इंडियन मार्केट में, जिसका प्राइस स्टार्ट होता है 37,20,000 रुपए से। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में।